ऐसे हेलो एवरीवन, सो आज हम करेंगे फोकस कम्प्लीटली हमारी लोअर बॉडी के ऊपर। तो हमारा जो लोअर पार्ट्स हैं सारे लेग्स के ऊपर, थाइस के ऊपर और ग्लूट्स के अंदर हम सारी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो जो सारी एक्सरसाइजेस रहेंगी वो हम एट अ स्ट्रेच करेंगे, सो दैट यू गेट टू नो कि हमें कितना ब्रेक लेना है, कितने एफर्ट लगते हैं और कितना हम प्रॉपरली इन चीज़ों को कर पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद प्लैंक्स, सॉरी नॉट विद प्लैंक्स, विल स्टार्ट विद स्क्वाट्स फर्स्ट। ठीक है, हम पहले पोजिशन ले लेंगे, हम देखेंगे हमारी बॉडी कितनी स्ट्रेट रहती है और हम कितना प्रॉपरली कर पाते हैं। हम उसके थोड़ी स्टेप्स करेंगे। थोड़ा ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेके फिर हम बताएंगे आपको हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 40 सेकंड का हम प्लैंक करेंगे। तो आई टेक 40 सेकंड ब्रेक। प्लैंक में सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आपकी बॉडी कितना स्ट्रेट रखते हैं और आपकी बॉडी ज़्यादा नीचे रह जाए। होता है बीच में जब आपकी बॉडी नीचे चली जाती है, डेंस ऑफ केस डजंट मैटर, आप इसको वापस से बढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे दैट विल बी लंजेस। लंजेस में पूरे आपकी लोअर बैक और आपकी लेग्स का कंप्लीट स्ट्रेच होता है। खुली जगह में है तो उसको और प्रॉपरली कर सकते हैं, बट उसके पहले थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और एक सिप ऑफ वाटर पीएंगे। बताते हैं कैसे पानी पीते हैं। जब आप पानी पिए आप बहुत ज़्यादा ना पिए, सिप सिप करके पीना चाहिए। लोअर थाइस और इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पे, पूरी मसल्स यहाँ पे स्ट्रेच हो रखी है इस समय और मज़ा भी आ रहा है एक्चुअली करते हुए। इसके बाद अपन करेंगे प्लैंक जैक्स, अमेजिंग एक्सरसाइज है। पुरानी वीडियोस में आपने प्लैंक का डिफरेंट वर्जन देखा होगा, आज एक और वर्जन दिखाते हैं आपको प्लैंक का। देखो ब्रेक हियर, बट ये वीडियो पूरा हम कंटीन्यूअसली बना रहे हैं सो दैट यू गेट टू नो कि कितना टाइम लगता है एक सेट में। यू कैन इंक्रीज इट। वीडियो के लास्ट में मैंने इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं, सो प्लीज़ वॉच द वीडियो कम्प्लीटली एंड विल गेट टू नो मोर अबाउट द अदर टेक्निक्स एज वेल।
जैक, जैसे आप जंपिंग जैक करते हैं आप उसमें अपनी लेग्स और हैंड दोनों स्विंग करते हैं। जब हम प्लैंक जैक करेंगे हम प्लैंक पोजीशन में रहेंगे लेकिन हम लेग्स को जंप करेंगे। ठीक है, आपको दिखाते हैं। प्लैंक की पोजीशन ले लीजिए एंड देन विल स्टार्ट द जैक्स। तो इनफैक्ट इट हेल्प्स अ लॉट टू रिड्यूस एक्स्ट्रा फैट। तो मोस्टली आप अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं, घर पे ज़्यादा बैठते हैं, तो सारा मोस्टली फैट सारा यहाँ पे आ जाता है। और देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इसको कैसे मैनेज करें और कंट्रोल करें। ब्रेक लेते हैं 20 सेकंड का एंड देन विल मूव। पुशअप से कैसी एक्सरसाइज है जो इट हेल्प्स ऑन योर कंप्लीट बॉडी, यस अपर बॉडी पे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। जब आप पुशअप करते हैं तो डेली हेल्प अलॉट। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम वही करेंगे, आप अपने सेट्स के हिसाब से, रिपीटेशन के हिसाब से कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आप इसको जब आप आर्म्स रखते हैं बॉडी फ्लोर पे, यू मेक श्योर दैट इट इज़ क्लोज टू योर चेस्ट। कुछ लोग इसको और वाइडर लेवल पे करते हैं, कुछ लोग एकदम फ्रंट पे करते हैं जिससे द ब्रॉडन ऑफ द चेस्ट। वो अपन जब अपन अपर बॉडी की एक्सरसाइज करेंगे तब उसमें अपन उसको ऐड करेंगे। जस्ट टेक अ ब्रेक, आप देख सकते हैं कितना स्वेट हो रहा है एंड दैट आई एम डूइंग इन अ गुड वेदर राइट नाउ। जब आप कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप स्वेटिंग के लिए एक टॉवल रखें अपने पास एंड वाटर आपके पास ज़रूर होना चाहिए, सो दैट यू कीप ऑन सिपिंग लिटिल बिट ऑफ वाटर एंड टेक प्रॉपर ब्रेक। ज़रूरी नहीं है कि आप 30 या 40 सेकंड का ब्रेक लें, आप 60 सेकंड का भी ब्रेक ले सकते हैं एंड देन आप उसके हिसाब से अपनी एक्सरसाइज को मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने अभी अपर के लिए किया था, इसके अंदर अभी अपन फाइनली अपन वापस एक और अपन लोअर एक्सरसाइज के लिए एक अपन सेट मारेंगे। इस समय अपन करेंगे बट किकिंग। अमेजिंग एक्सरसाइज, बहुत मज़ा आता है करने में। लेट्स डू इट। यू नीड टू स्टैंड स्ट्रेट फॉर दिस, इसी तरफ पर देखते हैं आप एंड देन यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी जो एंकल है वो आप अपने बट पे टच कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स ट्राई। अभी 40 की है, दैट डिपेंड्स आप कितना करना चाहते हैं और आपको कितनी करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है जब आप लोअर बॉडी करें आप ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, आप सेट्स बढ़ा सकते हैं, रिपीटेशन बढ़ा सकते हैं बिकॉज लेग्स में थोड़ी ज़्यादा ताकत होती है एंड यू कैन डू इट मोर। और देखा जाए जैसे जैसे आप वीक में प्रोग्रेस करेंगे, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप ये एक्सरसाइजेज सारी वापस से करें यू मेक श्योर दैट यू इंक्रीज़ द रिपीटेशन एंड इंक्रीज द सेट्स। अभी जैसे अपन ने एक सेट पूरा रेगुलर लेवल पर किया है एंड रियली आई एम एंजॉइंग, मुझे बहुत इम्पैक्ट आ रहा है मेरी थाइस पे, हिप्स पे, काफ्स पे भी आ रहा है और मैंने पुशअप भी किए तो थोड़ा सा मुझे आई फील दैट हाँ मैंने थोड़ा सा अपर बॉडी पे भी हल्का सा वर्कआउट किया है। तो मेरी एनर्जी फ्लो जो पूरा हो रहा है और जो ब्लड फ्लो हो रहा है आई एम रियली एंजॉइंग इट एंड जो बाकी इंस्ट्रक्शंस हैं एज अ सेट प्लीज़ वॉच इट फुल एंड ऑल्सो यू कैन रीड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल फाइंड ऑल द थिंग्स। थैंक यू।